हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। जैसे कि फ्रेम में देख पा रहे हो कि आज हमारे पास है किया की सेल्टॉस। एंड अब किया की सेल्टॉस जो नई फेसलिफ्ट आ गई है, अब इस गाड़ी के बारे में आपको मैं कुछ आज पॉजिटिव फीचर बताने वाला हूँ, कुछ नेगेटिव बताने वाला हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या पॉजिटिव है और क्या क्या हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। वो सारा ही आज मैं ढंग से गाड़ी के बारे में आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट गाड़ी के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाड़ी के पॉजिटिव की बात करते हैं। भाई, पॉजिटिव गाड़ी के इतने हैं कि आपको गिनवाते गिनवाते ये वीडियो बहुत लंबी जा सकती है, पर कुछ हाईलाइट पॉजिटिव मैं आपको गिनवाना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो गाड़ी का पॉजिटिव है, इस वक्त गाड़ी ऑन है, देख पा रहे हो कितनी ज्यादा रिफाइनमेंट्स गाड़ी ऑफर कर रही है। डीजल इंजन है 1.5 लीटर का, जो 115 bhp की 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। डीजल इंजन होने के बाद कितनी ज्यादा रिफाइनमेंट्स हमें देखने को मिलती है। अब इस वक्त इस गाड़ी का इंजन ऑन है तो रिफाइनमेंट देख पा रहे हो, एंड गाड़ी के अंदर जाने के बाद तो बिल्कुल भी आपको पता भी नहीं लगता है कि इसके अंदर इंजन इसका ऑन है ऑफ है। तो इतनी ज्यादा हाई रिफाइनमेंट्स के लेवल इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो गाड़ी का यही हो जाता है। उसके बाद देख पा रहे हो कि जैसे डीजल इंजन है, इंसुलेशन एंड ऑल सब बेटर दे रखा है। उसके बाद गाड़ी के अंदर ये पॉजिटिव है, जो गाड़ी के अंदर आपको इंजन ऑफर देखने को मिलता है, टर्बो पेट्रोल भी देखने को मिलता है, एनए पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलता है, डीजल इंजन भी देखने को मिलता है, उसके साथ ट्रांसमिशन ऑफरिंग भी बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलती है। तो ये गाड़ी का सबसे बड़ा एनहेंस फीचर हो जाता है कि जो आपको इंजन ऑफरिंग एंड ऑल है वो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी के अंदर अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद जैसे मैंने लुक हाईलाइट कर दिया था, लुक्स जो लुक्स है गाड़ी की बिल्कुल प्रोपोर्शनेट देखने को मिलती है हर एंगल से। कहीं से भी आपको ये नहीं लगता कि कहीं से गाड़ी की लुक जो है थोड़ी डिस्प्रोपोर्शनेट है, किसी को भी इसकी लुक्स पसंद नहीं आएगी। हालांकि क्रेटा बहुत कंट्रोवर्सी में रहती है, लोगों को लुक्स पसंद नहीं आती, पर इसकी लुक तो किसी के बंदे हो कहीं से भी कोई इसे लुक्स के पैरामीटर में तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा गाड़ी का पॉजिटिव ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इंटीरियर में चलते हैं, कुछ और फीचर्स हाईलाइट करता हूँ जो इस गाड़ी के पॉजिटिव देखने को मिलते हैं हमें। तो अब अंदर आते ही जो इस गाड़ी के पॉजिटिव सबसे बड़ा फीचर लगता है वो है इस गाड़ी की जो ये पावर विंडोज है, सारी एल्यूमिनेटेड हमें देखने को मिलती है। जैसे आप हेडलाइट ऑन करेंगे तो इनके अंदर एल्यूमिनेशन देखने को मिलता है। उसी के साथ एक फीचर और देखने को मिलता है, सारी विंडोज वन टच डाउन एंड वन टच अप देखने को मिलती है। आप कोई भी विंडो देख सकते हैं, जैसे किसी भी विंडो पे आप वन टच डाउन एंड वन टच अप देखने को मिलता है। तो ये गाड़ी का जो फीचर है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक फीचर और पॉजिटिव है, इस गाड़ी के अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। बट इसके सेगमेंट में ये जो सारे फीचर्स हैं बहुत कम ही हमें देखने को मिलते हैं। इस सारे फेसलिफ्ट के बाद शायद ही कोई इसे रिजेक्ट कर पाएगा। उसके बाद जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ लोडेड देखने को मिलती है एंड बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स के देखने को मिलते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको इसके सेगमेंट में फर्स्ट तो नहीं कह सकते, फर्स्ट तो आपको एम जी एस्टर में देखने को मिलता है, पर उसके बाद एडास लेवल टू देखने को मिलता है। पर जो किया ने एडास पे काम करा है और जो जो परफेक्शन एंड ऑल जो एडास के साथ ऑफर करी है, तो वो बहुत ज़रा अच्छी परफेक्शन लग रही है। बहुत प्रैक्टिकली इस गाड़ी का एडास को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक और एनहेंस फीचर एड ऑन हो जाता है। एंड इस गाड़ी का एक पर्सनली फीचर पॉजिटिव और है कि जो भी पुरानी किया में कमी हमें देखने को मिलती थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिस होती थी एंड पैनोरामिक सनरूफ नहीं थी, तो वो सारी कमियाँ भी क्लियर हो गई हैं। एंड जो इसके जो ये जैसे GT लाइन है, स्पोर्टी एडिशन है, तो जो रूफ ब्लैक है बहुत ही ज़्यादा लग्जरी ट्रीटमेंट है। एंड गाड़ी में कहीं से कहीं आप कमी बिल्कुल भी बता नहीं सकते हैं। एंड रियर सीटिंग स्पेस भी अच्छा गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल अगर इसकी बात करेंगे तो जो इसके गाड़ी के सारे पॉजिटिव थे मैंने आपके सारे शेयर कर दिए। इस गाड़ी में इतने पॉजिटिव हैं कि ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो ओवरऑल गाड़ी की सारी चीज़ें ही पॉजिटिव हैं वेन कम्पेयर टू द सेगमेंट। पर हाँ, कुछ नेगेटिव थे जो मैं मेन हाईलाइट करना चाहता रहा इस गाड़ी में, मुझे जो कमियाँ लगती हैं। अब सबसे बड़ी गाड़ी की जो कमी है वो है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी तो हालांकि फील बहुत अच्छी होती है, फील एंड फीडबैक बहुत अच्छा है, पर जो इसका स्ट्रक्चरल है, जैसे कि किया एंड हुंडई ने कॉस्ट कटिंग कर रखी है, तो वो कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा ये बस यहीं पे डाउन लगता है कि इसके अंदर जो आपको बिल्ड क्वालिटी की कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है, एक नेगेटिव ये देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव गाड़ी के अंदर ये देखने को मिलता है, जो इसकी जो एडास हमें ऑफर कर रखे हैं उसके आप लेवल्स को कहीं सेट नहीं कर सकते। जैसे XUV700 में आप उसकी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। तो इसके ओनरशिप रिव्यू में इसके ओनर ने शेयर करा था, तो उन्हें एक प्रॉब्लम देखने को मिल गई थी जो इसकी सेंसिटिविटी हम सेट नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड नेगेटिव जो मैं इसका हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मेरे हिसाब से लास्ट नेगेटिव है गाड़ी में, किया ने इतने अच्छे अच्छे फीचर ऑफर कर दिए पर पैसेंजर साइड पर कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता, ना ही बूट में आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है जिससे आप गाड़ी को ओपन कर पाओ। मेरे हिसाब से मारुति अपनी 8-8 लाख वाली गाड़ियों में अगर वो चीज़ ऑफर कर सकता है पैसेंजर साइड में, 3 जगह रिक्वेस्ट सेंसर, बूट पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड, पर किया हुंडई में सिर्फ आपको ड्राइवर साइड देखने को मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे इस गाड़ी का कि आपको अभी भी किया ने ये वाली कमी नहीं सुधारी जो प्रीवियस सेल्टॉस में थी। बस यही कुछ कमियां थी किया सेल्टॉस की। एंड पॉजिटिव तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, गाड़ी के अंदर एंडलेस पॉजिटिव है। आपकी क्या राय है किया सेल्टॉस के बारे में कमेंट में जरूर बताना। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर दो। इसके साथ वीडियो को यही एंड करता हूँ। एज ऑलवेज एंड सबका साथ सबका स्टार्टअप है।